स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्शनल डिटेल ऑफ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर में उसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दो मैग्नेट, सिलिंड्रिकल मैग्नेट दिखेंगे। रेड कलर का एक साइड रखा है नॉर्थ, एक साइड रखा है साउथ। उसके बीच में यहां पे जो दिख रहा है वैसी एक कोयल होगी जिसमें एन टर्न्स होंगे। देख लो आप, एन टर्न्स है, एक ऐसी कोयल है। ये कोयल में नीचे और ऊपर, ये कोयल में नीचे और ऊपर वो फ्रीली घूम सके उस तरह से रखा हुआ है। ये कोयल ऊपर और नीचे आप देख सकते हो, वो फ्रीली गोल घूम सके इस तरह से वो बीच में रखेंगे। और ये जो कोयल है उसको ऊपर और नीचे दोनों ओर एक स्प्रिंग, आपको एक स्प्रिंग दिख रही है यहां पे, देखो इससे बांध दिया, यहां पे बंधा हुआ है, एक स्प्रिंग दिखेगी और स्प्रिंग का एक एंड नीचे स्क्रू से जॉइंट होगा। यहां पे एक स्प्रिंग दिखेगी। अब ये कोयल अगर गोल घूमेगी तो स्प्रिंग के अंदर टर्न्स क्रिएट होंगे। अब ये कोयल के बीच में एक सिलेंडर रखा जाएगा, आप देख सकते हो ये कोयल के बीच में एक सिलेंडर रखा है। अब ये चीज को नॉर्थ और साउथ के बीच में रख देंगे। नॉर्थ और साउथ रेड कलर का मैग्नेट, उसका शेप देखो, सिलेंड्रिकल शेप है। नॉर्थ और साउथ मैग्नेट का शेप क्यों ऐसा शेप है, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में आए और सेंटर से फिर साउथ की ओर जाए, आप देख सकते हो यहां। अब ये गैल्वेनोमीटर में बीच में जीरो होता है, तो ये पॉइंटर बीच में जीरो दिखाता है। ये देख सकते हो गैल्वेनोमीटर में ऊपर और नीचे एक वायर जॉइंट होता है जहां से हम करंट भेज सकते हैं। जैसे ही करंट आएगा ये पॉइंटर घूमेगा, या तो लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड, जो साइड करंट की डायरेक्शन होगी वो साइड पॉइंटर घूमेगा। अभी पॉइंटर बीच में है। अब वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल है आप करंट कैरिंग कोयल को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है इसलिए उस पर टॉर्क लगेगा। आपको पता है, आगे हमने पढ़ लिया है। अब देखो यहां पे दो वायर है, एक वायर में से करंट जा रहा है, दूसरे वायर में से नीचे से करंट बाहर आ रहा है। आप देख सकते हो सबसे ऊपर जो स्प्रिंग के पास वायर है, आप देख सकते हो ये यहां पे करंट इस तरह से जा रहा है। देखो यहां पे ग्रीन कलर का एरो दिया हुआ है, करंट की डायरेक्शन बता रहा है ये देख लो आप, ग्रीन कलर का यहां पे एरो दिया हुआ है, वो हमें करंट की डायरेक्शन बता रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड साइड है, मैग्नेटिक फील्ड देखो राइट हैंड साइड एरो दिया हुआ है, तो करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड साइड, तो यहां पे फोर्स लगेगा। ये पिंक कलर का एरो है, देखो फोर्स लगेगा ऊपर की ओर और नीचे, राइट हैंड साइड में फोर्स लगेगा नीचे की ओर, ये पूरी कोयल गोल घूमेगी। देखो ये पूरी कोयल गोल घूमेगी, आप देख सकते हो। और उसके साथ ब्लैक कलर का एरो पॉइंटर भी गोल घुमा, अब देख लो यहां पे पूरी कोयल गोल घूमी। ये है गैल्वेनोमीटर, यहां पे जो दिखाई दे रहा है वो है गैल्वेनोमीटर। तो यहां पे क्या होगा, ये आप देख सकते हो यहां पे एक कोयल, एन टर्न्स की कोयल जिसके बीच में एक सिलेंडर रखा था, वो नॉर्थ साउथ सिलेंड्रिकल मैग्नेट के बीच में रख दिया। ये गैल्वेनोमीटर की स्क्रीन है, बीच में जीरो है, ये पॉइंटर भी बीच में है, देखो जीरो। अब क्या होगा, जैसे ही ये कोयल घूमेगी, यहां पे देख सकते हो ये कोयल घूमेगी, वैसे ही यहां पे ये पॉइंटर भी घूमेगा। यहां पे सिलेंडर क्यों रखा है, आपने देखा यहां पे कोयल के बीच में ब्लू कलर का सिलेंडर क्यों रखा है, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड सेंट्रिपिटल मैग्नेटिक फील्ड हो, सेंटर से पास हो, ये कोयल पे टॉर्क लगेगा एन आई ए बी
साइन थीटा, टॉर्क का फॉर्मूला मालूम है, करंट कैरिंग कोइल पे लगने वाला टॉर्क एन आई ए बी साइन थीटा, जिसमें एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, आई करंट और थीटा है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ए, ये आपको मालूम है। अब सिलेंडर क्यों रखा है? क्योंकि यहाँ पे जो बीच में सिलेंडर रखा है वो इसलिए रखा है क्योंकि थीटा ऑलवेज 90 मिले हमें, इसलिए बीच में सिलेंडर रखा है। देखो यहाँ पे व्हाइट कलर की लाइन है, व्हाइट कलर का एरो वो एरिया वेक्टर है, और येलो कलर का एरो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बीच में 90 एंगल है। अब मान लो एरो घूमा, एरिया वेक्टर घूमा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी, जो येलो कलर की लाइन भी घूम रही है, तो आप देखो उसके बीच में थीटा ऑलवेज 90 ही हो रहा है। तो साइन 90 का मीनिंग क्या होगा? 1। तो टॉर्क का इक्वेशन एन आई ए बी ही मिलेगा, बीच में चाहे कहीं भी कोयल घूम ले, टॉर्क का इक्वेशन एन आई ए बी ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? एन आई ए बी ही मिलेगा टॉर्क का इक्वेशन। तो यहां पे आप देख सकते हो साइन 90 तो 1 हो गया, मैक्सिमम टॉर्क लगने लगा। अब इसके इसमें आप देख सकते हो एन कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, सिर्फ आई वेरी हो सकता है, करंट वेरी हो सकता है, तो टॉर्क करंट पे डिपेंडेंट है। ज्यादा करंट आएगा ज्यादा टॉर्क लगेगा, ज्यादा ये कॉइल घूमेगी, और जितनी कॉइल ज्यादा घूमेगी ऊपर वाला पॉइंटर भी ज्यादा घूमेगा और गैल्वेनोमीटर आपको उतना करंट दिखाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये है गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन।